दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खास मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए दोस्तों, आज हम याद करेंगे विटामिन, विटामिन से की कमी से होने वाले रोग, उनकी की रासायनिक नाम, जो हमारे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक ने किया था, फंक और हॉकिंस ने किया था। बाकी फंक को विटामिन का जनक बोलते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन जो है, विटामिन देखो, विटामिन की खोज फंक ने किया था। इसको याद कैसे करेंगे, अगर कोई बच्चा विटामिन अगर बच्चा दूध पीता है, तो दूध जब पी लेता है उसको एक एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जब मिलती है तो उसके क्या, मान लो उस बच्चे के क्या निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? पंख निकल आते हैं। जब पंख निकल आते हैं तो पंख से क्या याद करेंगे, फंग। विटामिन के जनक किसे कहा गया, फंग को। और एनर्जी से याद करेंगे कि विटामिन से हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। फिर क्वेश्चन आता है कि विटामिन कौन सी विटामिन होती है जो जल में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। इसको याद करें कैसे करेंगे, अगर आप विटामिन पढ़ के नहीं गए तो आपकी भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। तो भैंस जब से याद करेंगे बी और सी, बी और सी क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील हो जाएगी। और जो के ए डी के और ई जो होती है वो क्या होती है, वसा में घुलनशील होती है, ठीक है। इसको याद करेंगे कीड़ा, कीड़ा जो होता है ना वो क्या होता है, जल में थोड़ी घुलता है। जल में अगर कीड़ा गिर जाएगा तो वो जल में नहीं घुलता। तो जल में नहीं घुलता तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि देखेंगे कि वो क्या, किस में घुलनशील रहेगा, वसा में। किस में घुलनशील होगा, वसा में। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए विटामिन का नाम, रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और स्रोत को याद करेंगे। देखिए इसकी एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी, रासायनिक नाम की रथ एक टॉफी। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाले रोग रतौंधी है। और ये सबसे प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस, ये आपसे पूछेगा कि विटामिन की कौन सी विटामिन गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद गाजर, दूध, अंडा और पनीर, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। उसके बाद आता है विटामिन बी, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। अब बी से याद करेंगे कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। और ये किस में पाया जाता है, गेहूं यानी दलिया चावल, ये यकृत में पाया जाता है। ये विटामिन बी किस में पाया जाता है, गेहूं चावल यकृत में। उसके बाद आता है विटामिन B12, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबोलिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको दूर करने के लिए विटामिन B12 का यूज किया जाता है। इसमें एक धातु पाई जाती है, ये याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। B12 जो होती है, मतलब B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु B12 में पाई जाती है, ठीक है ना। फिर आता है विटामिन सी, विटामिन सी का वैज्ञानिक रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके कमी से, इस एस्कॉर्बिक अम्ल से ही याद करेंगे स्कर्वी रोग होता है। इसे नाविक रोग भी कहते हैं, इसे नाविक रोग कहते हैं। ये स्कर्वी रोग किस में होता है, दांतों और दांतों के मसूड़ों में खून निकलने लगता है, ठीक है ना। और ये किस में होता है, प्रचुर मात्रा में आंवला में होता है और खट्टे फलों में होता है, मिर्ची। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और मिर्ची खाने पर सी है ना करने लगते हो आप। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवला में, खट्टे फलों में और मिर्च में पाई जाती है। उसके बाद आता है विटामिन डी, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल की कमी से होता है रिकेट्स रोग होता है। इसे ये बच्चों में होता है, रिकेट्स रोग जो होता है बच्चों में होता है। और ये अब इसका अगर वयस्क में होगा तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, इसी रोग को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये वयस्क में होता है।
और ये सूर्य की रोशनी में पाया जाता है, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। उसके बाद आप याद करेंगे विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल इससे के कमी से होता है बाझपन यानी प्रजनन क्षमता में कमी आती है। और ये इसका स्रोत क्या है, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज और हरी सब्जी, अंकुरित बीज और हरी सब्जी। उसके बाद आता है विटामिन के, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के का फिलोक्विनोन, इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का जमना। आपके चोट लग जाएगी और जब विटामिन के की कमी होगी ना तो रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे खून अधिक मात्रा में निकल जाएगा और आपकी जान भी चली जाएगी। और इसका इसका स्रोत क्या है, टमाटर और हरी सब्जी। जय, ठीक है दोस्तों, आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।